चौथी ढाल धवा नंबर सात। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बना बाव्यता को पूरा। बात अपन ने कही थी कि धन समाज हाथी घोड़ा राज्य ये अपने कुछ भी काम में नहीं आते। आते कुछ काम में, देखो रुपया कब तक काम आता है, जब तक हिंदुस्तान में तब तक। मकान कब तक काम आता है, जब तक आदमी है तब तक। त्रियंज बन जाएगा, नरक नारकी बन जाएगा, तो न मकान काम आएगा न धन काम आएगा। हाथी घोड़ा समाज ये कुछ भी काम में नहीं आते, कुछ भी जीव के लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं, कुछ भी सहायक नहीं, कोई काम नहीं आते जीव के आत्मा के लिए। ये कोई भी कार्यकारी मैंने काम में नहीं आते, काम में नहीं आते मतलब कोई भी उपयोगी नहीं है जीव के लिए। क्या उपयोगी है? एक ज्ञान, उसका ज्ञान आपको नीच, ज्ञान आपको रूप भये। एक बार ये जो अपने ज्ञान से अपने स्वरूप को देखता है, अपने निज आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, वो उसको काम आता है। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा। एक बार उस समय ज्ञान की प्राप्ति होने पर ये जीव अनंत काल तक उसको भोगता है और अचल रहता है, यानी फिर वो चारों गतियों में चलायमान नहीं होता। तो वो ज्ञान काम आता है, समय ज्ञान अपने काम आता है और कुछ काम नहीं आता। इसे भी संसार में देखो तो संसार में सुख का कारण क्या है? ज्ञान। चीज़ें सुख का कारण है कि अपना ज्ञान सुख का कारण बनता है। चीज़ों से भी अपन ये मानते हैं कि इससे अपने को सुख मिलेगा, तो अपना ज्ञान ही तो हो रहा है ना सुख का कारण। अपनी मान्यता ही हो रही है, वस्तु तो ही सुख दे रही है। मैंने हमने उसमें सुख माना, हमको सुख मिलने लगा, दुख माना दुख मिलने लगा। तो सुख दुख का जो भी कारण है वो है कौन? अपना ज्ञान। संसार में जो कुछ भी चीज का कारण है उसका कारण अपने स्वयं का, अपना स्वयं का ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान जो भी कहो उसको, वो सब अपनी खुद की है। मैंने अपने सुख दुख के कारण अपने स्वयं के भीतर ही। ये धन समाज कुछ भी काम नहीं आते, ये कुछ भी सुखी नहीं करते अपने। और ये कहते हैं कि यदि अपना सच्चा, यदि अपने को सुखी होना है, मतलब वास्तविक रूप में यदि कोई अपनी चीज काम आती है प्रभाव में भी, तो वो एक सम्यक ज्ञान काम आता है। कि वो सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद अगले भाव भी साथ जाता है, काम आता है, और फिर ये जीव उस सम्यक ज्ञान के बल से अनंत काल तक मोक्ष पद को प्राप्त करके अचल रहता है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं। कल अपने बात की थी दो इन दो पंक्तियों की, तो आगे तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बना भव्यता को पुरानो। तास ज्ञान को कारण, तास माने किस ज्ञान को? सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान को, जिससे अपना रूप दिखाई देता है, अपनी पहचान होती है। ऐसे आत्मज्ञान को, सम्यक ज्ञान को कारण कौन है? स्वपर विवेक, अपने और पर का विवेक ही उस सम्यक ज्ञान का कारण बखानो माने कहा गया। माने सम्यक ज्ञान का कारण और कुछ नहीं है, स्वपर का विवेक। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो चाहिए हमें मोक्ष के लिए। सम्यक ज्ञान का उपाय बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का उपाय एकमात्र स्व और पर का विवेक। अपन करोड़ों जिनवाणी भी पढ़ लें, शास भी पढ़ लें, और शास पढ़ के भी यदि स्वपर का विवेक जागृत न हो तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और एक शास भी पढ़ा हो लेकिन स्व और पर का विवेक जागृत हो जाए तो एक शास्त्र भी कार्यकारी, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन तो स्व और पर का विवेक है। स्व और पर का विवेक जिसके हृदय में है
तो उसने शास्त्र ज्ञान के मर्म को समझा है, जिसके हृदय में सफल का विवेक नहीं है तो कुछ नहीं, क्योंकि जिनवाणी का प्रयोजन तो सौर पर का विवेक ही कराना है कि तू कौन है और पर कौन है। सारी जिनवाणी का सार क्या है? अपने पराये की पहचान, अपने स्वरूप को बताना। जिनवाणी क्या बताती है? ये बताती है कि हम कौन है, क्या हमारा स्वरूप है। और यही नहीं समझे और बाकी सब चीज़ें पढ़ता रहे तो वो कहेंगे कि इसने अभी जिनवाणी के असली स्वरूप को समझा ही नहीं है, उसका असली लाभ भी इसने नहीं लिया। जो इन सबका प्रयोजन तो यही है, स्वर पर की पहचान होना, स्वर पर में विवेक उत्पन्न होना, स्वर का भेद विज्ञान होना, आपे पराये की पहचान होना, अपनी खुद की पहचान होना, मैं कौन हूँ इसका स्वरूप ख्याल आना। यही नहीं हो सब कुछ हो जाए। मैंने बोले बच्चा जो है जैसे तो स्कूल के अंदर बहुत सारे उसको इनाम मिले, सब कॉम्पिटिशन में वो तो बिल्कुल फर्स्ट ही आता था, लेकिन बस फेल हो गया, बाकी तो सब बहुत अच्छा किया उसको। क्या ड्रेस भी बहुत अच्छी, उसके ड्रेस की भी रोज तारीफ होती थी, उसके कपड़ों की ड्रेस के अलावा उसके बस्तों की भी, जूते चप्पल सब की, और बहुत सब लोग उसको बहुत प्रेम करते थे, उसकी बहुत तारीफ होती थी। मैं एक ही चीज़ हो गई तो फेल हो गया, तो एक ही हो गई कि बहुत बड़ी हो गई? तो फेल ही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ, और तो सब अच्छा, और तो सबने तारीफ ही करी। फेल होने के बाद में लोगों ने कहा कि कितने अच्छे नंबरों से फेल हुआ है, और फेल भी जिस दिन रिजल्ट लेने गया उस दिन भी लोगों ने कपड़ों की बहुत तारीफ करी, कितने अच्छे कपड़े पहन के आए। अरे सब एक तरफ गया तो फेल हो गया मतलब सब कुछ खत्म। ऐसे हमने सब कुछ पढ़ा क्या, और पढ़ा और यही नहीं पता कि हम कौन है और पराया पर कौन है, सौर पर का विवेक ही जागृत नहीं हुआ। तो कहने की सारा पढ़ने का जो है लाभ क्या मिला? सब देवगति चले गए, पुण्य बांध लिया, लोग में प्रशंसा हो गई, पंडित हो गए, क्या एग्जाम में फर्स्ट आ गए, ये सब सही है होते सब, लेकिन ये बताओ कि सौर पर का विवेक जागृत हुआ कि नहीं हुआ? अपने पराये की पहचान हुई कि नहीं, मैं कौन हूँ? वो नहीं हुई तो, वो नहीं हुई तो फिर अभी काम नहीं हुआ, क्योंकि जिनवाणी में से निकालना क्या? जिनवाणी पढ़ने की भी एक कला होती है, तो ये भी पढ़ सकते जिनवाणी में, मतलब इसी शिव के अंदर भी अपन अपना दिमाग लगा सकते होते, क्योंकि वो भी जिनवाणी का अंग है। चरणानियों की कोई चीज़ है, प्रथमानियों की है, आदिनाथ भगवान की कितनी ऊँचाई थी, और अजितनाथ की कितनी थी, और संभवनाथ कितनी थी, और अभिनंदननाथ कितनी ऊंचाई थी, अभिनंदननाथ की कितनी पत्नियां थी, उनके नाम क्या थे, उनके बच्चों के भी नाम क्या थे, वो कौन से नगरी में पैदा हुए थे, वो कौन सी तारीख को दीक्षा ली थी, और कौन सी तारीख को गर्भ हुआ था, और कौन सी तिथि में जन्म हुआ था, कौन से नक्षत्र में हुआ था, कौन सी नगरी में हुआ था, कौन ने उनको सबसे पहले आहार दान दिया, कितने शिष्य थे, सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती जानने के लिए। यदि अपने पास में एक्स्ट्रा मटेरियल हो, दिमाग बहुत ज़्यादा हो तो इनको भी जानना, लेकिन सबसे पहले अपनी प्रयोजनभूत स्वर पर का जानना, वो नहीं जाना और ये सब चीज़ों में ही अपनी चीज़ें लगा दी बुद्धि सारी, और ये सब चीज़ें गोल अपने स्वर पर का विवेक गोल, तो रिजल्ट जीरो आएगा। एक एक नंबर में पास हो जाए आदमी और 10-10 नंबर के सारे क्वेश्चन छोड़ दे, 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट, 10-10 नंबर के सारे आते फेल हो गया कि पास। ऐसे जिन छोटी छोटी चीज़ों में जिनमें उपयोग उतना ही लगाना चाहिए उनमें तो पूरी ताकत लगा दे। जैसे समझ लो अपने पास में 10 रुपये हो और अपन 10 रुपये से क्या खरीदें? अपने को यहाँ आना हो मंदिर, अपने पास कोई साधन नहीं है, तो वही 10 रुपये हैं। अपन बीच में गए और टैक्सी देख रहे थे, टैक्सी देखते थे बीच में कुछ चीज़ दिखी, झाड़ू दिख गई, झाड़ू खरीद ली झाड़ू, अब खरीद तो लेकिन बाद में ध्यान आया करे पैसे तो बचे ही, तो क्या होएगा? यहाँ नहीं आ पाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, घर गृहस्थी के अंदर पहले पेंटिंग की चीज़ें खरीदो, फिर ये खरीदो, फिर पैसे बच जाएंगे तो गेहूँ खरीद लेंगे, चावल खरीद लेंगे, सब्जी खरीद लेंगे। ये करेंगे कि यदि सब्जी भाजी आदि भोजन की सामग्री से पैसे बचेंगे,
जो अनिवार्य वस्तु है उनसे पैसे बचेंगे तो पेंटिंग खरीद के लाएंगे, पहले क्या करेंगे? पहले क्या खरीदोगे? पहले जरूरी चीज खरीदे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? और फिर बाद में यदि अपने पास है बहुत पैसा जेब में, तो चलो भैया ये सब तो हो ही गया अपने को, अब क्या करना अपने को? अब एक आध अपने घर के अंदर बहुत पैसा ज़्यादा है तो क्या करो, एक आध दीवार को रंग बिरंगी करो। जीवन में कभी कभी आदमी चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसा अकल नहीं होती कि नहीं कि लोग दिखाने का बहुत शौक होता है, क्या करें, फर्नीचर दिखाना है, कर्जा लेके दिखाना, खाने के लाले हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट बोले आजकल तो लोन मिलता है फर्नीचर के लिए, तो उसके लिए 0% लोन पे लिया, लेकिन लोन पे लिया है बेटा 0%, लेकिन लोन तो चुकाना ही पड़ेगा ना, उसने उससे भाव ज़्यादा लगा के ले लिया क्या? तो किसी आदमी के पास में भोजन की व्यवस्था नहीं और ये सब काम में पैसा खर्च कर दे तो वो दुखी होएगा। ऐसे जीव की बुद्धि तो सीमित है और वो अपनी उस बुद्धि को प्रयोजनभूत तत्व में न लगा के जो कम प्रयोजनभूत है उनमें ही लगा दे और मूल मुद्दे की बात समझे ही नहीं तो पढ़ के भी वो कोरा का कोरा नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी भी कला होनी, नहीं तो सब पढ़ते हैं जिनवाणी, लेकिन उसमें से मेन चीज क्या निकालना कि सबसे पहले सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान निकालना और सात तत्व में सबसे पहले जीव अजीव का यथार्थ स्वरूप के ज्ञान करना कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। वेद विज्ञान नहीं करेगा तो समझ लो तू जो स्वयं भी जीवन में सुखी नहीं होगा और तत्व में आनंद भी नहीं आएगा। क्या? क्योंकि सामान्य जो है सदाचार तो अन्य मतावलंबियों के अंदर भी लिखा हुआ है, जैन दर्शन की तो मुख्य विशेषता ही उसका अध्यात्म है, वेद विज्ञान है, और वो माइनस हो जाएगा तो जैन दर्शन अन्य दर्शन में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या ये भी वो नमक आटे में नमक जितनी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक घंटे की चर्चा करें क्या है कि जीरे की कितनी मर्यादा है, घी की कितनी है, शक्कर की कितनी है, शक्कर के बूढ़े की कितनी है, आटे की कितनी है, मैदे की कितनी है, रवे की कितनी, प्रसन्न पड़े तो वो भी करेंगे अपन, लेकिन जब मिले अपन कभी जीरे की कभी नमक की कभी इसकी कभी इसकी, तो क्या रसोई क्या हलवाई के अलावा और भी कोई काम करना नहीं करना क्या कि बस खाने पीने की चर्चा? ये बहुत हल्की चीज है मतलब। तो इसलिए वो कहते हैं कि उस ज्ञान का सम्यक ज्ञान यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपये का विवेक जागृत करो, उस 100 रुपये के विवेक के लिए जहाँ अपने 100 रुपये के वेद विज्ञान की चर्चा जिन शास्त्रों में हो उन शास्त्रों का अच्छा अभ्यास करो। सम्यक ज्ञान के लिए सचमुच तुम्हें प्राप्ति करनी है तो अध्यात्म शास्त्रों का अच्छा गहरा अभ्यास करो, पर ऊपर नहीं, वो भी हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये जितने अध्यात्मी भी है ना इनने एक ने पूरा आद्योपांत जो है व्यवस्थित स्वाध्याय किया हो तो एक भी मिल जाए ऐसा मुश्किल है। तो ऊपर ऊपर है सब आधा का आधा काम। अच्छा ठोस अभ्यास भी मुश्किल होता है, फिर गाथा आदि एक कुछ कुछ गाथाएं पढ़ते तो सारी गाथाएं पढ़ते आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, किस विवक्षा से लिखा हुआ है, तो वो व्यवस्थित पढ़ेगा तो उसका उसका जो हार्द है उसके जो मूल बात उसका जो रहस्य है वो ख्याल में आया। जो पढ़े अच्छे स्वाध्याय कह रहे हैं अपने तास ज्ञान को कारण सफल विवेक बखानो, हे जीव सम्यक ज्ञान का कारण 100 रुपये का विवेक है, इसलिए क्या कर, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो, उसको तुम करोड़ों उपाय बनाकर भी हे भव्य तुम उसको हृदय में धारण करो। किसको? सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? 100 रुपये का विवेक। उस 100 रुपये के विवेक को तुम करोड़ों उपाय बनाकर भी हृदय में धारण करो, करोड़ों उपाय बनाना पड़े उसके लिए तो भी, करोड़ों उपाय बनाकर भी 100 रुपये के विवेक को अपने उर में माने हृदय में धारण करो।
हर क्षण क्षण हर पर्याय में स्वपर का विवेक, जिसके हर जिसके ज्ञान में स्वपर का विवेक है उसके कभी दुख हो ही नहीं सकता। वह दुख कब होता है? जब स्वपर का विवेक चला जाता है तब दुख होता है। अज्ञान दुख का कारण है। जब तक ज्ञान रहता है तब तक कोई दुख नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। और जब ज्ञान गया, स्वपर का विवेक गया, पर में अपनेपन की बुद्धि आई, दुख चालू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जब तक बुद्धि में जो चीज बड़ी है व्यवस्थित, कोई दुख नहीं लगता, कोई कारण ही नहीं लगता। जहाँ वो गया और पर वस्तु में अपनेपन की बुद्धि चालू हुई कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसका मेरे को करना है, इसका मेरे को धरना है, ये मैं कर सकता हूँ, क्या इसका मैं भोगता हूँ, पर वस्तु का मैं स्वामी हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैंने जहाँ पर पदार्थ संबंध जोड़ा, बस चिंताएं चालू हो गई। और जब तक पर पदार्थों से अपने अपने आप को अलग रखा, अलग अनुभव किया, पर पदार्थों को भिन्न अनुभव किया, तब तक इस संसार में हमें कोई दुखी नहीं बन सकता। दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण कुछ नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने यही प्रार्थना की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षोक्त चिंतामणि चिंता नहीं, ये चिंता ये भी मांगता हूँ क्या बोधि शुद्धि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि क्या है? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षोक्तदान सुनिए ये बात, चिंतामणि चिंतितानि बोधि समाधि, यानी मुझे बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि हो, क्योंकि यही मोक्ष की देने वाली है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चिंतितानि माने चिंतामणि चिंतितानि माने यही चिंतामणि है, यही चिंतित पदार्थों को देने वाला है। कौन? बोधि माने ज्ञान और समाधि माने समता पूर्वक देह छोड़ना या समता भाव की प्राप्ति होना। बोधि सम्यक ज्ञान के लिए और समाधि सम्यक चाहित के लिए। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहित की प्राप्ति हो, परिणामों की विशुद्धि हो, यही मैं मांगता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये यदि मेरे पास है तो मेरे पास चिंतामणि रत्न है, और ये नहीं है तो मैं भिखारी हूँ। कितना ही भजा है तो भिखारी का भिखारी, विषयों का भिखारी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम ये काम करो, ये काम क्या, इस स्वर पर के विवेक को माने स्वर के ज्ञान को करोड़ों उपाय बनाकर भी इसको अपने हृदय में धारण करो। करोड़ों उपाय बनाना पड़े तो उस दिन कई दिन आज वो आए नहीं काम गए, उन्होंने मेरे को बताई थी कि ये एक बात, ये बात आप बता चुके हो, बताया था ना मैंने उसका उदाहरण। कौन सा उदाहरण ध्यान है? आई कथम फिर मर कर भी तत्व के कोतुहली बनो, मैंने पूछा था ना, तो मैंने बोला था आपने बता चुके हो, आज आए नहीं हो। आई कथम भी मृत्यु है ना, अरे वाह, आई कथम भी मृत्यु तत्व कोतुहली सन अनुभव हो मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम प्रतिगत विलसन तम सम समालोक न तेजस्वी जगति मूर्त साख में एकत्र होगी गाथा है इसमें। आई कथम भी मृत्यु मैंने मरना भी पड़े तो भी मरकर भी, करोड़ों उपाय का मतलब करोड़ों अरबों उपाय बनाओ, अरबों उपाय बना कर भी ये काम करो। क्या काम करो? सौर पर के विवेक को प्राप्त करो। अपन कर रहे हैं करोड़ों उपाय, एक उपाय नहीं करते अपन। उपाय सामने मिलता तो छोड़ने को तैयार होते हैं, और वो अपने को ये कह रहे हैं कि इसके बिना नहीं होगा। जब तक तुम अपना उसका पुरुषार्थ, तुम्हारी रुचि नहीं होगी तो सौर का विवेक कैसे हो जाएगा? स्वपर के विवेक को प्राप्त करने की रुचि नहीं, और बिना उस रुचि के स्वपर का विवेक उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा। वेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम करो, पुरुषार्थ करो। यद्यपि पुरुषार्थ रुचि से अपने आप होता है, लेकिन अपने अंतरंग में रुचि जागृत करो स्वपर के विवेक। ये बात है, करोड़ों उपाय बनाकर हे भव्य तुम उसको हृदय में धारण करो। वो गाथा में तो इतना है कि मरना भी पड़े तो भी मरने की कीमत पर भी क्या बना, तत्व के कोतुहली बनो। कोतुहली मतलब जिज्ञासु,
उसके तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, इनका क्या स्वरूप है, इनका मेरे हितहित से क्या संबंध है, जिनवाणी का मेरे सुख से क्या संबंध है, ऐसे एक कौतूहल अपने अंदर में जागृत करो। यदि कौतूहल भी जागृत हो गया तो तुम्हारा काम हो जाए। कौतूहल जागृत करने उन्होंने और कहा है कि शरीर को क्षण भर के लिए पड़ोसी मानकर अपने आत्मा का अनुभव करो। क्या मानो इसको, ये पड़ोसी है, तो अपन पड़ोसी की चिंता करते हैं क्या, नहीं करते। क्षण भर के लिए इसको पड़ोसी मान के इसकी चिंता करना छोड़ो। क्या होगा उससे, उससे तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होगा। और अनुभव होगा उससे क्या होगा कि जो परद्रव्यों के साथ में एकत्व का मोह है, उस मोह को तू क्या कर देगा, शीघ्र ही छोड़ दे। जब तक अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, देव पड़ोसी के रूप में भिन्न नहीं दिखाई देगा, तब तक परद्रव्य के साथ का एकत्व का मोह चलता रहेगा। जब अपनी निधि अपनी पृथक दिखाई देगी, अपना विलास देखेगा, तो पर के साथ में जो एकता का मोह था वो छूट जाएगा। क्योंकि अब तक स्वर पर को एक मिला के अनुभव करता था, अब जब उसने अपने वैभव को देख लिया तो अब से उसने पर को अपने से, मतलब पर को पर में और अपने में एक मानना छोड़, एकत्व मानना तो छूट जाती है। जब तक ये जीव अपने स्वरूप को नहीं देखता, तब तक ये जीव पर में और अपने में एकत्व बुद्धि करता है। और जो अपने आत्मस्वरूप को जानता है, त्यों पर में इसकी एकत्व बुद्धि छूट जाती है। क्योंकि अपना स्वरूप जानना मतलब अपने स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न देखा कि मैं तो बिल्कुल भिन्न हूँ। क्योंकि आत्मानुभव में, स्वरूप अनुभव में आत्मा परद्रव्यों से भिन्न भाषित होता है। जब भिन्न भाषित होता है तो उसको पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी वैभव है जिसको मैं अब तक पर का अपना मान रहा था, परद्रव्य का और अपना वैभव मान रहा था, वास्तव में वो वैभव किसका है, केवल मेरा ही है, परद्रव्य का उसमें कुछ भी नहीं। पहले अपना वैभव क्यों मानता था कि ये मेरा वैभव नहीं, देह और आत्मा का मिला के वैभव। और अब जब उसने अपने आत्मा का वैभव देखा तो उसने जान लिया कि ये वैभव तो मेरा है, देह का इसमें कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात। देखो ज्ञान ना, ज्ञान और सुख, तो ये जीव जब तक ज्ञान, अपने ज्ञान और सुख का अनुभव नहीं करता, या ये नहीं मानता कि ज्ञान और सुख मेरी है, तब तक वो यही मानता है कि मेरा ये ज्ञान और सुख कायम से आ रहा है शरीर में से, तो इसलिए शरीर के साथ में एकत्व का मोह लगा देता है। जहाँ ये आत्मा का अनुभव हुआ और ये भाषित हुआ कि ये ज्ञान और सुख तो मेरा स्वयं का स्वभाव है, तो तत्काल उसका शरीर आदि परद्रव्य के साथ में जो एक पने का मोह था, एक पना था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि ये मेरा है ही, ये तो मेरा, मेरा ज्ञान सुख तो मेरा खुद का है, इन सब में ये परद्रव्य है, इनमें ज्ञान सुख नहीं। ये सब परद्रव्य के साथ में जो अब तक एकता थी छूट जाती है। अभ्यास करें तो, अभ्यास करें ऐसा लगाता, 6 महीने तक यदि अभ्यास करे तो गारंटी दी आचार्यों ने कि इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। 6 महीने शास्त्र में इतना तक लिखा है कि यदि कोई आदमी 6 महीने तक अपने को भेसा मान ले, क्या कि मैं भेसा हूँ,